का स्वागत है आपका महायूपी में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आजमगढ़ में आज अमित शाह का दौरा है, खबर आपको बता रहे हैं जहां आजमगढ़ में आज अमित शाह का दौरा है और राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे अमित शाह। राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे गृहमंत्री अमित शाह और दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे अमित शाह। आजमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ में आज अमित शाह का दौरा है, चुनावी हुंकार भर रहे हैं अमित शाह और यशपाल पर गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश कौशिक जुड़ चुके हैं। रमेश, वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, अमित शाह का आजमगढ़ का दौरा है? जी, आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ दौरे पर हैं। वो यहां राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि आजमगढ़ शहर से 15 किलोमीटर दूर यशपालपुर आजमबाद गाँव में ये कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। वो पूरी तैयारी प्रशासन कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। समझा जाता है कि यहां 1 से 1.5 लाख तक की भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि आजमगढ़ को राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक बेस माना जा रहा है। इसको लेकर के भी भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, क्योंकि अमित शाह की रैली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ आएंगे, वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से एक विशाल जनसभा होगी और एक चुनौती होगी, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए आजमगढ़ में ये पहली जनसभा होने जा रही है अमित शाह की। इसको लेकर के तैयारियां बहुत जोरों पर हैं, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। ये माना जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ जमाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जनादेश बन जाए और अब की बार जो 10 विधानसभा सीट है उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे। इसको भी एक बेस मानकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को विस्तार दे रही है, क्योंकि आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय की मांग वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे औचित्य विहीन बता दिया था। इसी का फायदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे करके यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ अग्रणी भूमिका निभा सके। इसलिए आजमगढ़ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह का दौरा है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जी रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां अमित शाह का आज आजमगढ़ का दौरा है और दोपहर 1 बजे अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और राज्य विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास भी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती दौरे पर रहेंगे, उनके